हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे, जो बिल्कुल बाहर जैसे खस्ते और बाहर जैसे ही टेस्टी बनने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रियल जायका को सब्सक्राइब करें। तो चलो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है। मैं इसमें आधी चम्मच अजवाइन डालूंगी, एक चम्मच नमक। यहाँ पे मैंने डेढ़ चम्मच जैसा घी लिया है। घी से समोसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा खस्ते बनेंगे। अब हम इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से घोएंगे। थोड़ा सख्त गोना है इसे, ज़्यादा सॉफ्ट ना करें। अगर बहुत सॉफ्ट कर देंगे तो इसकी स्टफिंग निकल जाएगी। अब हमारा डो रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब मैं इसकी स्टफिंग बनाऊंगी। यहाँ पे आलू और मटर की स्टफिंग बना रहे हैं हम। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, जिसमें डेढ़ चम्मच तेल डाला है। करी लीव्स 4 से 5, इसे बारीक टुकड़ों में काट के डालिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा ये। आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच क्रश्ड धनिया, 2 बारीक कटी हुई मिर्चियाँ, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन ड्राई मसालों को अच्छे से सौटे कीजिए। 2 मीडियम प्याज बारीक कटी हुई, इसे अच्छे से सौटे कीजिए। 1 छोटी कटोरी मटर, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने 5 बॉइल्ड आलू लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और क्रश कीजिए, ताकि आलू और मटर का मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और हल्का हल्का इसे सौटे कीजिए। कुछ कोरिएंडर लीव्स। अब हमारा मसाला रेडी है। अब हम समोसे बनाएंगे। जो हमने आटा गूंदा था उसकी छोटी सी एक लोई लेनी है। और इस तरीके से उसकी एक रोटी बनानी है। और बीच से कट करना है। जो हाफ कटी हुई रोटी है उसके एज में हल्का हल्का पानी लगाएं। इस तरीके से इसे कोन शेप दें, फिर इसमें स्टफिंग रखें। इसे इस तरीके से अच्छे से जोड़ दें। कोशिश कीजिए कि कोई कॉर्नर खुला ना हो, नहीं तो अगर मसाला निकल जाएगा तो समोसे टूट सकते हैं। देख सकते हैं समोसे अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके हमारे समोसे डालेंगे और फ्राई करेंगे। इसे हल्का हल्का क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करें। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे करारे और क्रिस्पी हो रहे हैं ये। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारे समोसे रेडी हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ते भी बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और भी जायकेदार रेसिपीज़ के लिए रियल जायका को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।